नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस गिरावट में हम अच्छे शेयर्स की लिस्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ किस इंडेक्स के अगेंस्ट देख रहे हैं, जैसे निफ्टी 50 के अगेंस्ट में देखना है या सेंसेक्स के अगेंस्ट में देखना है या सेक्टोरल इंडेक्स के अगेंस्ट में देखना है, जैसे कि निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक या कोई दूसरा इंडेक्स, उसके अगेंस्ट में हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है। यहाँ हम समझने के लिए सिंपली आज हम जो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे वो निफ्टी के अगेंस्ट में देखेंगे कि आज की डेट में, आज 5 अगस्त 2024 को किस शेयर ने निफ्टी के अगेंस्ट किस तरीके का प्रदर्शन किया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी लगातार 3 दिन से डाउन ट्रेंड में है और आज की जो कैंडल है वह एक गैप डाउन के बाद बनी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि निफ्टी काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे आया है। अब कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन अभी हम उन कारण के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं निफ्टी के अगेंस्ट में जो शेयर्स अभी अच्छे खड़े हैं उनके बारे में। ये तो ही निफ्टी की बात। अब निफ्टी का जो आज का गिरावट है वह है 2.68%। अब अगर मुझे निफ्टी के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग शेयर्स चाहिए तो मैं उन शेयर्स को ढूंढूंगा जिनकी गिरावट 2.68% से कम हुई हो या वे शेयर पॉजिटिव बंद हुए हों, यानी कि वे सारे शेयर आज की डेट में निफ्टी के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हैं जिनमें 2.68% से कम गिरावट हुई हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम जो फ्री वेबसाइट्स हैं उन पर भी जा सकते हैं, जैसे चार्टिंग है या कोई दूसरी वेबसाइट्स हैं। अगर हमारा ब्रोकर हमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है तो हो सकता है हमें ये फैसिलिटी उसमें भी मिल जाए। अगर कहीं भी ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो हम इसे NSE की साइट पर जा करके मैनुअली देख सकते हैं। ये NSE की वेबसाइट है और इस पर हम निफ्टी 50 और निफ्टी 50 के जो 50 शेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आज देख रहे हैं। तो जैसा कि हम उस चार्ट में देख रहे थे, निफ्टी ने आज 2.68% की गिरावट दर्ज की। वहीं निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स या तो इससे ज़्यादा गिरे हैं या इससे कम गिरे हैं। तो जो शेयर निफ्टी 50 से ज़्यादा गिरे हैं वो निफ्टी 50 के रिलेटिवली कमज़ोर शेयर हैं या वीक शेयर हैं। वे शेयर जो निफ्टी 50 से कम गिरे हैं वे शेयर रिलेटिवली निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। तो ये परसेंटेज वाइज अरेंज हो गया है। सबसे पहले है निफ्टी 50 जो कि 2.68% गिरा है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये शेयर्स अरेंज हो गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गिरा है निफ्टी 50 की जो शेयर लिस्ट है उसमें टाटा मोटर्स, उसके बाद गिरावट हुई है ONGC में, उसके बाद अडानी पोर्ट में, यानी कि ये जो लिस्ट है HDFC बैंक तक, ये सारे शेयर आज की डेट में निफ्टी 50 से वीक हैं। और इसके बाद जो शेयर हैं यानी कि जिनमें गिरावट 2.68% से कम हुई है, जैसे एक्सिस बैंक 2.53 गिरा, टाइटन 2.35 गिरा, M&M 2.24 गिरा, डॉक्टर रेड्डी 2.07 गिरा, ICICI बैंक 2.06 गिरा, तो ये शेयर निफ्टी के अगेंस्ट में कम गिरे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में ये शेयर निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर हमें किसी शेयर की स्ट्रेंथ को देखना है तो वो किसी न किसी इंडेक्स के सापेक्ष में देखनी है या फिर किसी दूसरे शेयर के सापेक्ष में देखनी है। तो हम ये देखते हैं कि वह पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि 1 दिन में, 2 दिन में, या आखिरी के 10 दिन में, या आखिरी के 20 दिन में, या आखिरी के 50 दिन में कितना गिरा या कितना बढ़ा, और जिस शेयर को हम कंपेयर कर रहे हैं वह शेयर कितना बढ़ा और कितना गिरा। अब इस रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए कई अच्छे ट्रेडर्स और जो जिन्हें कोडिंग का ज्ञान है उन लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बनाया हुआ है, जो कि हमें पर्टिकुलर पीरियड के निफ्टी के रिलेशन
या किसी भी दूसरे इंडेक्स के रिलेशन को हम जिस भी शेयर के साथ कंपेयर करना चाहते हैं उस शेयर के बारे में बता देता है। इसके लिए हम ये पहले से बनाया हुआ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो कि मोड हेलियस ने बनाया है। इसको हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम इसे चार्ट पर देखेंगे। इसकी जो सेटिंग है पहले हम उसे चेक करते हैं और इसको हम निफ्टी 50 के डाटा के साथ कंपेयर करेंगे। और यहाँ मैं सिर्फ एक दिन कर देता हूँ, यानी कि निफ्टी को जिस भी शेयर को मैं कंपेयर करूँगा उसे सिर्फ एक दिन कंपेयर करूँगा। अभी स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ऊपर भी निफ्टी ही है तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं। मैं इसे टाटा मोटर्स के साथ कंपेयर करता हूँ। टाटा मोटर्स का जो शेयर है वह लगातार आखिरी के 4 दिनों से गिर रहा है और आज की जो गिरावट है वह निफ्टी 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ यह जो पैरामीटर है जिसको हम जीरो लाइन बोलते हैं यह हम मान करके चल रहे हैं निफ्टी को। तो निफ्टी के अगेंस्ट में भी टाटा मोटर्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा गिरा है। अब कोई ऐसा शेयर देखते हैं जो निफ्टी के अगेंस्ट में आज की डेट में बड़ा हो, तो उसके लिए हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं। ये जो शेयर को हम कंपेयर कर रहे हैं वह लाइन लगभग जीरो लाइन के आसपास ही घूम रही थी, लेकिन आज के दिन में क्योंकि निफ्टी गिरा है और ये शेयर ऊपर की तरफ गया है तो हम यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि यह लाइन जीरो लाइन से ऊपर चली गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी भी इंडेक्स के अगेंस्ट में देख सकते हैं और अपने लिए उन शेयर्स की लिस्ट बना सकते हैं जो कि अभी की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हैं और जिनमें हम फ्यूचर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी शेयर को निफ्टी से लास्ट के 10 दिन में कंपेयर करना है तो मैं यहाँ 10 दिन का डाटा ले लूँगा जो कि इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ जो जीरो लाइन है वह निफ्टी के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो लाइन है वह शेयर के प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि लास्ट के 10 दिन में यह शेयर नीचे की तरफ आ रहा था लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में कम आया था और यहाँ आकर के ये जीरो लाइन से नीचे आ गया, यानी कि ये निफ्टी से ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था। लेकिन आज का डाटा जैसे ही पिछले डाटा में ऐड हुआ और पहले जो 10 दिन की कैलकुलेशन हो रही थी वह इन कैंडल्स को लेकर के हो रही थी, लेकिन जैसे ही आज की कैंडल कंप्लीट हुई तो सिस्टम ने इस कैंडल को इंक्लूड कर लिया और ये जो लास्ट कैंडल है इसको हटा दिया क्योंकि आज काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। तो ये जो जीरो लाइन है उसको तोड़ते हुए ये जो शेयर का प्राइस है ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये लास्ट के 10 दिन में जो डाउन ट्रेंड में था अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। अगर मुझे 10 दिन की बजाय 50 दिन का कंपेरिजन करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि 50 दिन में यह निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसे 200 दिन का कंपेयर करूं तो 200 दिन में तो आखिर के जो 200 दिन हैं उनमें यह जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है या जो प्राइस है वह निफ्टी के अगेंस्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि यह एक कंसोलिडेशन एरिया में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी पीरियड में निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है, निफ्टी लगातार अब ट्रेंड दिखा रहा था। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स के अगेंस्ट में किसी भी शेयर को कंपेयर करके और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं, चाहे हम सेक्टोरल इंडेक्स के अगेंस्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें या किसी मेजर इंडेक्स के अगेंस्ट में जैसे निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 200 या सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स के अगेंस्ट में या फिर दो शेयर्स के अगेंस्ट में भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर को पतंजलि के साथ कंपेयर करना है तो मैं उसे भी कर सकता हूँ। यहाँ इसकी सेटिंग के साथ मैं चेंज करूँगा और पतंजलि फूड को यहाँ रखूँगा और कितने दिन का कंपेरिजन मुझे करना है वो मैं देखूँ, यानी कि अब जो जीरो लाइन है
वो पतंजलि फूड के प्राइस को दिखाएगी और ये जो लाइन है वह इस शेयर के प्राइस को दिखाएगी जिसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं और उन शेयर्स में बने रह सकते हैं जो लगातार किसी इंडेक्स के सापेक्ष में या किसी दूसरे शेयर के सापेक्ष में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब ये पीरियड कितना होना चाहिए इस पर कई सारे मत हैं, कई सारे विचार हैं। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में निफ्टी 500 के अंदर कौन से शेयर्स हैं जो पॉजिटिव बंद हुए हैं। इसके लिए हम या तो NSE की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर जाकर के देख सकते हैं, या कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में यह इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल कराती हैं, उन पर जाकर के भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ शेयर्स आज की डेट में भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नोट पर बंद हुए हैं, जिनमें शेरा है, GLS है, लाल पैथलेव है, पिजिया, मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCBL, डावर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, देवयानी, ब्रिटानिया, TI इंडिया, होनासा, AGIS लॉजिस्टिक, गोदरेज प्रॉपर्टी है, एलकेएम है, HDFC लाइफ है। तो ये शेयर्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग बंद हुए हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। तो ऐसे शेयर्स की हम लिस्ट बना सकते हैं और जब गिरावट कंप्लीट हो जाए तो उस गिरावट के कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पैटर्न में आ रहे हैं शेयर उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम इन शेयर्स की लिस्ट बना करके रखते हैं और गिरावट का कंप्लीट होने का वेट करते हैं। अब क्योंकि हम कैश में ही काम करते हैं और तो हम गिरावट का कंप्लीट होने का वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।